छात्र और छात्राओं को मेरा नमस्कार। कल हम बरसते बादल कविता के बारे में कुछ अंशों के बारे में पढ़ चुके थे और कुछ सीख लिए थे। कल हम ये बरसते बादल जो है, ये जो चित्र है यानी उन्मुखीकरण है, उन्मुखीकरण के बारे में भी हम पढ़ लिए हैं। उसमें ये जो कोयल है, वो कोयल के कुछ प्रश्न हैं और कवि के कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में भी हम कल पढ़ लिए थे। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, इस तरह और उस प्रकार कुछ प्रश्न भी हैं। उस प्रश्नों के बारे में और चित्र के बारे में और बादल के बारे में हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार पहले की कक्षा में कवि परिचय के बारे में भी पढ़ चुके हैं, यानी कवि सुमित्रानंद पंत के बारे में, उनका जीवन काल और उनके प्रसिद्ध रचनाएं और पुरस्कार के बारे में भी हम जान चुके हैं, सीख लिए हैं। और उस प्रकार चित्र के बारे में भी कल हम देख लिए हैं। चित्र में संपूर्ण पाठ के विषयगत, इसके अंतर्गत आपको सभी प्रकार के चित्र यहाँ है, यानी चित्र को देखकर ही हम लेसन में क्या हुआ है, उस पाठ में क्या क्या है, सब हम पढ़ सकते हैं। जैसा मेंढक, झिंगुर और इंद्रधनुष, ऐसे जो भी है ना, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम सुमित्रानंदन पंत के जो गीत है उसके बारे में भी हम एक बार पढ़ लेंगे और उसका शाब्दिक अर्थ और उसका अर्थ के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। देखिए, हम गीत गाना शुरू कर देंगे। पाठ का नाम है बरसते बादल। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर टर टर करती झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ छातक के गण, उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिम जिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को फुलका वलिथर, रज के कण कण में तृण तृण के फुलका वलिथर, पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अब देखिए, अब गीत पढ़ चुके हैं, उस गीत के अनुसार ये चित्र में सब है। देखो, पहले पंक्ति में क्या है, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, मेघों से ये बरस रहे हैं ना, ये चित्र के जरिए हम पूरा सीख सकते हैं। और पहला जो गीत है उसमें पूरे बादलों के बारे में है और उनके बारे में है। अब ये सब दिख रहे हैं, मेंढक वगैरह। हाँ, देखिए, अब हम इस गीत को विस्तार रूप से और एक बार पढ़ते हुए उसका शाब्दिक अर्थ बताते हुए आगे चलेंगे। देखिए, यहाँ पर
झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब देखेंगे शब्दार्थ, अब पढ़ लेंगे शब्दार्थ। अब शब्दार्थ देखा गया तो उधर जो गीत में आए हैं उन शब्दों के बारे में और उसका अर्थ हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में भी देख लेंगे। पहले देखिए यहाँ पर झम झम, यानी ये जो भी जो तेज वर्षा होने की आवाज है, तेज वर्षा हो रही है उसका आवाज है, वो कैसा आ रहा है बोलते झम 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 करते हुए आवाज के साथ आ रहा है। उसको अंग्रेजी में देखा है तो द साउंड ऑफ हेवी रेनफॉल, द साउंड ऑफ हेवी रेनफॉल। उसी प्रकार मेघ, मेघ बोले तो बादल और जलद कहते हैं, और अंग्रेजी में देखा जाए तो क्लाउड्स। बरसना यानी बादलों से पानी की बूंदे गिरना, यानी जो बादल होते हैं ऊपर से पानी गिरते हैं उसको बोलते हैं बरसना, यानी टू रेन। सावन, श्रावण मास, यानी श्रावण मास देखिए आषाढ़ और भाद्रपद के बीच में आता है, दोनों बीच जो आता है उसका हम श्रावण मास कहते हैं, एक टाइप ऑफ मंथ है ये। छम छम बूंदों के टप करते की आवाज, टपकने की आवाज, छम छम का अर्थ क्या है, बूंदों के टपकने की आवाज, यानी द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। और उसी प्रकार उर बोलते हृदय मन और चित्त, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम हर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए घन, घन मतलब तो मेघ बादल यानी क्लाउड्स। थम थमाना यानी थम थमाना यानी धूप लगना, यानी धूप लगना मतलब दिन में धूप लगता है और ये बादल छा जाने से अंधेरा हो जाता है ऐसा। तम बोल तो अंधकार डार्कनेस, जैसा कि हम थम थमाना बोले उसके बाद में तम बोल के आया, तो यानी दिन में उजाला रहता है यानी वहाँ पर अंधकार नहीं रहता है, उसके बाद में मेघ यानी बादल आने से हमें यहाँ पर अंधकार दिखता है। उसी प्रकार गिरना यानी ऊपर से बादलों से जो पानी है वो नीचे गिरता है, नीचे पड़ना यानी टू फॉल डाउन। उसी प्रकार तरु बोले तो वृक्ष पेड़ ट्री, यानी जो बारिश के मौसम में तरुण के ऊपर से पानी गिर रहा है, इससे पहले हम गीत में देखे हैं। छन, छन का अर्थ है बूंदों के नीचे गिरने की आवाज। चमचम, चमचम का अर्थ है खूब चमकता हुआ, जैसा खूब चमकता है बिजली गिरने से हमें चमक ज्यादा दिखती है, उसी प्रकार बिजली का अर्थ है विद्युत। ताड़ित, चपला यानी क्या ने विद्युत यानी लाइट रहता है ना बिजली, ये समझो। और उसी प्रकार चमकना यानी चमकना का अर्थ है जगमगाना यानी टू शाइन। ये हो गया पहली गीत, जो भी पहला पंक्ति का गीत है उस पंक्ति को हम देखते हुए चलेंगे आगे, उसी पंक्ति का और एक बार देखेंगे इसका मीनिंग, इसका एक अर्थ देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अब देखिए विस्तार से इसका मीन यानी अर्थ तो समझ गए, उसका भाव भी अब देखेंगे। यानी यहाँ पर देखिए ये जो बादल घिरते हैं अधिकतर सावन के मास में घिरते हैं, जैसा कि हवा बहुत छूटती है वैसा हवा की, जैसा हवा की झम 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 करती हुई मेघों से पानी बरसते हुए ये सावन के महीने में हमें ये बारिश दिखाई देता है। जो बारिश के बूंदे होते हैं वो कैसे गिर रहे हैं, तरुओं के ऊपर से छन छन करके गिरते हुए धरती के ऊपर आ रहे हैं। उसी प्रकार चम चम बिजली चमक रही है, यानी
चम चम कैसा बिजली ऊपर कैसे चमक रहे हैं, चम 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 चमक रही है, एक लाइट की तरह, एक विद्युत की तरह हमें दिख रहा है। जब हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में घन के ऊपर हमारा दिल जा रहा है कि ऐसा अच्छा चमक रहा है, बोल के हमारा दिल कहता है। उसी प्रकार तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, यहाँ पर देखिये तम तम दिन के तम में सपने, हम इससे पहले तम तम का अर्थ यानी जागा हुआ यानी वो उजाला रहने का जगह को तम तम बोलते हैं दिन में। और उसी प्रकार तम में सपने जगते मन के, तम बोले तो अंधकार, यानी दिन में ही बादल घिरने से हमारे मन में पूरा अंधकार छा जाता है। जैसे हम रात में सपने देखते हैं उसी प्रकार दिन में ही सपने देखना शुरू कर देते हैं। ये सुमित्रानंद पंत ने इस तरह गीत लिखे हैं। अब हम जाएंगे दूसरा गीत के बारे में जाएंगे। दूसरा गीत देखिए, दूसरा गीत ओके यहां देखिए। दादुर टर टर करते झिल्ली भजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ छातक के गन, उड़ती सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। इसका भी हम अर्थ देख लेंगे, अभी अर्थ देख लेंगे। दूसरे गीत में हम दादुर के बारे में कुछ पढ़ लिए थे। आप यहां पर देखिए दादुर का अर्थ है मेंढक यानी फ्रॉग। दूसरा देखिए टर टर करना यानी मेंढक आवाज करते हैं, कैसे टर टर आवाज करते हैं यानी वो मेंढक की आवाज यानी फ्रॉग, फ्रॉग्स क्रूकिंग समझो। झिल्ली है, झिल्ली यानी झिंगुर, उसको बोलते हैं क्रिकेट्स बोलते हैं। झिल्ली एक प्रकार का ये भी एक कीड़ा है, एक कीड़ा मकोड़ा जैसा होता है। उसी प्रकार बजना, वो झिल्ली झंझन करते बजती है समझो, जैसा कि आवाज करना, बजना करते क्या है आवाज करना है मेकिंग साउंड। झंझन, झंझन बोलने वाला भी एक प्रकार का साउंड है, झंझन शब्द यानी झनकार, ये भी एक प्रकार का साउंड ही है। और उसी प्रकार मोर, मोर तो आप लोगों को मालूम है, मोर बोले तो मयूर और नीलकंठ, उसको पिकाक बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर नीलकंठ बोल रहे हैं मोर को, क्यों बोल रहे हैं नीलकंठ, क्योंकि उसका कंठ नीला होता है। और देखिए चातक, चातक भी ये भी एक प्रकार का पक्षी है, उसको हम पपीहा नहीं तो सारंग पक्षी कहते हैं, ये काइंड ऑफ बर्ड। यानी गण समूह, ए ग्रुप, यानी चातक पक्षियों का एक गण रहता है, एक समूह के रूप में रहता है, हम उसको एक ग्रुप बना लेकर बोलना चाहिए यहाँ पर। सोन बालक, ये सोन बालक भी एक प्रकार की पक्षी है, ये जल पक्षी है यानी ये जल में रहती है, जल जल के ऊपर उड़ते रहती है, ये काइंड ऑफ वाटर बर्ड। यानी अर्धसुख यानी प्रिय अनुभूति से लतपथ, यानी अर्धसुख बोल तो सोन बालक अर्धसुख से क्रंदन करता है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। और देखिए इधर क्रंदन यानी आवाज करना मेकिंग साउंड, घुमड़ घुमड़ चारों ओर से घिरकर एकत्र होना, घुमड़ना यानी छा जाना टू स्प्रेड। और उस प्रकार गगन, गगन बोल तो आपको पता ही है आसमान आकाश, उसको स्काई बोलते हैं। और गर्जन, गर्जन बोल तो घोर ध्वनि भीषण शब्द, ये गर्जन का बादल घिर जाने पर बादलों से हमें बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं, उसको हम गर्जन कहते हैं, घोर ध्वनि यानी रंबलिंग बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट आप देखेंगे और उस प्रकार पद्य के बारे में चलेंगे। अब देखिए यहां पर दादुर और कई इस गीत में क्या है बोल तो सभी प्रकार के पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के बारे में, उनके ध्वनियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक प्रश्न भी होता है कि सावन के महीने में ये कौन से पक्षी उनकी आवाजें कैसे हैं बोल के हमें प्रश्न आ सकते हैं। अब यहाँ देखा गया तो बारिश के मौसम में जब बारिश गिरता है उस समय में दादुर टर टर करती हुई आवाज करती है, झिल्ली झनझन कर आवाज करती है। उसी प्रकार
मोर म्याओ म्याओ बोलकर आवाज करती हैं, और उसी प्रकार छाता पक्षी है वो पीयू पीयू बोल के ध्वनि लगाता है। वो भी कई गण मिलकर रहते हैं, कई समूह मिलकर रहते हैं, कौन से दादो ये क्या होते चातक पक्षी है सब। और उसी प्रकार उड़ते सोन बालक अर्ध सुख से कर क्रंदन, यहाँ पर सोन बालक बोल रहे हैं, ये एक प्रकार की जल पक्षी है, ये उड़ते पानी के ऊपर से उड़ते हुए रहते हैं और अर्ध सुख से कर क्रंदन, अर्ध सुख यानी भोर विभोर होकर यानी बहुत खुशी से होकर, क्रंदन यानी आवाजें लगाना ध्वनि करते हुए अपनी खुशियां व्यक्त करती हैं। उसी प्रकार घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते बर्जन, घुमड़ घुमड़ यानी आवाजें करते हुए जो गगन में जो आकाश में मेघ कैसे करते हैं गरजते हुए हमें ध्वनियां प्रकट करती हैं। अब जाएंगे हम तीसरा पद्य की ओर चलेंगे। तीसरा पद्य देखिए हम पर, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के सर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को फुलका वलिथर, रज के कण कण में तृण तृण को फुलका वलिथर। यहाँ पर देखिए ये क्या है बोलते, पानी के बारे में यानी पानी बारिश होता है, बारिश होते समय में हमारे भावनाएं कैसी होती है, और जो धरती पर पानी गिरता है वहां का माहौल कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। अब इसका भी हम क्या करेंगे शब्दार्थ देख लेंगे। क्या देख लेंगे शब्दार्थ देख लेंगे। यहाँ पर देखिए शब्दार्थ रिम झिम का अर्थ है वर्षा की छोटी छोटी बूंदे गिरना यानी उहर पड़ना, यानी छोटी छोटी रिमझिम जो तो ऊपर से बारिश गिरता है तो छोटी 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 बूंदे गिरते हैं, जैसा बारीक 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 रेणु जैसा बूंदे गिरते हैं। कहना कहना का अर्थ है बोलना यानी संबोधित करना टू टेल। और उसी प्रकार बूंद बूंद यानी जल का बूंद यानी ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं, बारिश जब गिरता है तो छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं। स्वर स्वर का अर्थ है आवाज ध्वनि साउंड, यानी स्वर बोलते हो जो गीत गाते हैं जो बारिश का साउंड आता है वो सब मिलाकर हम क्या बोलते हैं स्वर बोलते हैं। रोम रोम बोले तो बाल है, रोआ रोआ तो बाल बोलते जो हाथों पे पैरों पे छोटे छोटे बाल होते हैं उसको बोलते हैं रोम। सिहर उठना रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना यानी सिहर उठना बोल तो जो हमारे बाल होते हैं वो खुशी से बाल भी ठंड लगने से उठकर ऐसा खड़ा हो जाते हैं उसी को बोलते हैं सिहरना बोलते हैं। और इसी प्रकार भीतर भीतर बोल तो अंदर यानी इनसाइड, भीतर बोल तो हमारे शरीर के अंदर की जो रक्त प्रवाह होती है जो नसें होती हैं वो भी उत्तेजित होकर अंदर की तरफ अंतर भीतर का यानी आंतरिक यानी इनर यानी ऊपर बारिश गिरने पर भी हमारे अंदर की जो भी हमारी नाड़ी व्यवस्था है वो भी उत्तेजित होकर बारिश के और बहुत खुशी से रहती हैं। और देखिए यहाँ पर धारा धारा बोले तो प्रवाह धार जल धारा यानी फ्लो ऑफ वाटर यानी झरना झरना यानी जल प्रवाह वाटरफॉल, धरती पृथ्वी भूमि वसुधा एर्थ, रज रज बोलते धूल या रेणु या डस्ट, कण किसी पदार्थ का अंश या दाना यानी छोटे छोटे जो अंश बारीक बारीक बार रेणु जैसे होते हैं उसको बोलते हैं हम कण बोलते हैं। पर्टिकल रूप से बोलते हैं तो उसको कण बोलते हैं। यहाँ पर तृण तृण बोलते तिनका या घास उसको बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रास। और उसी प्रकार थर जमी हुई परत, जमी हुई परत यानी तह जमी हुई परत यानी जो जो घास होती है एक जगह इकट्ठा होती है वो प्रांत है उसको बोलते हैं थर। पुलकावली हर्ष या प्रेम से उत्पन्न रोमांच पुलकित जॉयफुल यानी पुलकित होना तो बारिश गिरते समय में सब पशु पक्षियां जीव जंतु सब कैसे पुलकित हो जाते हैं। अब देखिए इसका भावार्थ भी एक बार देख लेंगे। यानी बारिश के समय में जो बारिश कैसी आती है रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, यानी बारिश के समय में बूंदे
ऐसे आते हैं, रिम जिम करके आते हैं, वो कुछ कहने लगते हैं, वो स्वर फूटते हैं उसके, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, यानी वो उधर से खुशी से आते हुए यहाँ जो जो भी जीव जंतु हैं उनके जो भी है अंदर की भावनाओं को उठाते हैं, रोम सिहर उठते हैं, रोम मैंने जो सिर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी उठकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो भी खुशी से झूम उड़ते हैं। और उसी प्रकार धाराओं पर धाराएं झरती धार झरती धरती पर धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, यानी धरती यानी अर्थ हमारा जो है भूमि, यानी जो बारिश की जो बूंदे हैं ये कैसे हैं, धाराओं पर धाराएं, धारा मतलब एक लाइन से आना बारिश। अब देखते हैं बारिश में कई बार छोटे छोटे बूंदे आते हैं, कोई कोई लंबी बूंदे आते हैं, एक साथ गिरते हैं तो उसको धाराओं बोलते हैं। वो कैसे हैं, धाराएं झरती धरती पर ऊपर बारिश गिरने के बाद में धाराओं के रूप में आते हुए धाराएं चलती हैं, एक साथ क्या करते हैं पानी इकट्ठा होकर धरती पर दौड़ने लगती है, खुशी खुशी दौड़ना शुरू कर देती हैं। रज के कण कण में तृण तृण को फुलकावली थर, यहां पर रज यानी डस्ट यानी मिट्टी की छोटी छोटी बूंदे, कण कण में तृण तृण कण कण छोटे छोटे कण होते हैं, वो कण कण में तृण तृण को फुलकावली थर, या तृण तृण मतलब घास, फुलकावली थर यानी वो घास के ऊपर छोटे छोटे रेणु गिरती हैं तो वो घास भी क्या है झूम उड़ता है, थर यानी वहाँ का जो जमीन है उस प्रांत को हम थर बोलते हैं। यानी यहाँ रज की कणों से घास के ऊपर छोटे छोटे गिरते हैं कण, तो घास में पुलकित होकर हिलती हुई वहां के प्रांत को माहौल बनाती हैं। नेक्स्ट चौथा गीत देखिए, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यहाँ पर देखिए ये कवि के बारे में है ज्यादा करके, क्योंकि अब तक बारिश के बारे में, तरुण के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में और वर्षा के बारे में बताया गया था। यहाँ पर देखा गया तो कवि ने कह रहे हैं कि जो यहाँ पर इंद्रधनुष की एक बात आई है, यानी इसके भी हम शब्दार्थ देख लेंगे, शब्दार्थ देखेंगे एक बार। यहाँ पर देखिए पकड़ना, पकड़ना यानी दबोचना, चुंगलना यानी पकड़ना हो तो एक जगह पकड़ लेना, ऐसा पकड़ लेना एक वस्तु या वस्तु जैसे, यानी पानी को हम पकड़े जैसा। वारी, वारी बोले तो पानी, जल जो ऊपर से बूंदे बूंदे गिरती है उसको हम वारी बोलते हैं, और उसको वाटर भी कहते हैं। धार बोल तो धारा यानी फ्लो, धारा मतलब एक लाइन से गिरना, जो बारिश के बूंदे हैं वो एक लाइन से गिरना उसको हम बोलते हैं धार। झूलना पेंग लेना, टू स्विंग, झूलना बोल तो इंद्रधनुष जो भी होते हैं, इंद्रधनुष को रस्सी बांध कर हम झूलते हैं, यानी ऐसा उधर इधर शेक होना यानी स्विंग करना समझो। मन बोल तो हृदय, दिल अपना माइंड। घेरना चारों ओर घिर लेना, चारों ओर से रोकना यानी टू सराउंड। यहाँ पर घेरना मतलब यानी हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो बारिश है, हमारे अरे मुझे बारिश घेर लिया बोलकर हम बोलते हैं, मतलब एक साथ मिलकर आना, एक बार धावा करना उसको बोलते हैं घेरना, एकदम अटैक कर जैसा रहना समझो। गाना वो तो गीत गाना, टू सिंग यानी जो है गाना गा रहे हैं, जो भी हम गाना गा रहे हैं उसको बोलते हैं टू सिंग बोलते हैं। और उस प्रकार जो मास है ये सावन है, श्रावण मास से पहले बताए गए थे, श्रावण मंथ यानी श्रावण का महीना है। और इंद्रधनुष वो तो सात रंगों का बना एक अर्धवृत्त है। आप लोग देखते हैं कि जब बारिश गिरता है, बारिश गिरने के बाद में जो सात रंग दिखाई देते हैं उसका हम इंद्रधनुष बोलते हैं, अर्धवृत्त में होता है। झूला हिंडोला पालना, यानी झूला बोल तो कविया कह रहे हैं कि झूला बोल तो स्विंग करने के लिए, पालना जैसा यानी हिंडोला भी बोल सकते हैं हम उसे। जन बोल तो लोग, जनता यानी पीपुल्स। फिर यानी बार बार, अगेन यानी जीवन यानी जिंदगी, जीवन दशा यानी लाइफ, यानी मन भावन
मन को भाने वाला यानी अच्छा लगने वाला, प्रिय प्यारा यानी मन भवन बोल तो जॉयफुल, जैसा अपने मन को खुशी दिखना, मन को भाने वाला, ये मन के संबंधित है। अब देखेंगे एक बार उसका भाव भी देखेंगे और एक बार देखिए भाव भी यहाँ पर क्या है। कवि अपने बारे में और अपने जो छात्र हैं, समाज है, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहे हैं कि पकड़वारे की धार झूलता है मेरा मन। कवि का मन ये कह रहा है कि पकड़वारे की धार झूलता है मेरा मन। यानी कवि का मन ये कह रहा है कि जो बारिश की जो बूंदे हैं, वारी है, उसको पकड़कर एक झूले जैसा झूलना बोल के उनका मन कह रहा है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। अने सावन तो सावन का मास है। इस मास में मेरे भाई बंधु सब लोग आइए, मेरे मित्रगण आइए, मेरे आसपास जो श्रवण में जो भी लोग आइए, हम क्या करेंगे, एक अच्छा गाना गाएंगे और मैं भी तुम्हारे साथ गाऊंगा। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। सावन मन में सब लोग आइए, सबके साथ इकट्ठा होंगे हम बोल के बोल रहे हैं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। हम क्या करेंगे, इंद्रधनुष की इंद्रधनुष जो आता है उसको झूला डालेंगे और उसमें हम झूलेंगे, बहुत मजा आएगा बोल के बता रहे हैं कवि। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यहाँ पर कवि कह रहे हैं ये श्रावण मास हर बार आप आते जाना, फिर आते जाना, हम बहुत आनंद विभोर होते हैं। फिर आया तो हमारे जीवन में एक सावन रहना बोल के हम बोलते हैं। फिर आना तो फिर हम मजा कर लेते हैं, आनंद से रहते हैं बोल के कवि कह रहे हैं। ठीक है, आज हम यानी गीत के बारे में और उनके शब्दार्थ और गीत का भाव को हम अच्छे तरह से समझे होंगे। मेरा यकीन है कि आप लोगों को भी अच्छा समय आया होगा। जो भी अब भाषा की बात है वो अगले सत्र में हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। आज के लिए तो यहाँ समाप्त कर लेंगे। सभी को मेरा प्रणाम।